बस में तो वही आदमी सफर करता है जो डेली का कमाता है, डेली का खाता है। मंत्री और उनके लिए हमारे तो चाचा है, मंत्री वाले सर काम किया है, ये साफ नहीं बोल रहे हैं। मंत्री जी हमारे हैं, जो कोई भी नेता ए टू जेड, वो पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो केजरीवाल अनपढ़ है? नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं। मोदी अनपढ़ है? मोदी अनपढ़ ही है। अच्छा, और क्या, जब आप हमारे यहाँ पे फरीदाबाद में हमारे कृष्ण पाल है, वो भी पढ़े लिखे हैं शुरू से ही, और बीजेपी में रहे शुरू से ही। हमारे जो कृष्ण पाल हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, और वो बात करवा लो उनको। अच्छा, हाँ जी, बात करो, पढ़े लिखे की बात करेंगे, बहुत समझ की बात करेंगे। मैं फिर से आता हूँ जी, क्या हमारा पैसा हमें दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि फ्री में नहीं होना चाहिए। लंका का हाल देख लो, फ्री में बांट बांट के आज लंका कहाँ पहुँच गया है। अच्छा, ये हमारे ऊपर से हमारे खून सूस के निकाला जाएगा, जो फ्री में हमारे खिलाया जा रहा है, हमें जो खिलाया जा रहा है हमसे ही निकाला जाएगा। ये कोई भी सरकार आएगी, जरूरी नहीं है बीजेपी या कांग्रेस, कोई भी सरकार आएगी हमसे ही निकाला जाएगा। महिला तो खुश हो रही है कि हजार रुपए मिलेंगे। देखो एक चीज बताओ, जो लेक्चरर है या प्रिंसिपल है स्कूल की, वो लाख रुपए सैलरी ले रही है और वो बस में फ्री सफर कर रही है, क्या ये फायदेमंद है? नहीं नहीं नहीं, आप सोचिए, उन्होंने कहा है जिनकी आय ज्यादा है उनको फ्री में नहीं मिलेगा, महिलाओं के लिए फ्री है। बस महिलाओं के लिए फ्री है? कितनी महिलाएं होंगी ऐसी? महिलाएं आप दिल्ली में देखो, सारी एजुकेटेड है, लाखों लेडीज ऐसी है जो बहुत अच्छी सैलरी उठा रही हैं। आप ये बताओ, जो अच्छी सैलरी उठा रही है, क्या वो बसों में सफर करती है? बिल्कुल करती है, बिल्कुल एसी बस में जाती है बतेरी। अच्छा, जो अच्छी सैलरी लेगी ना, वो जैसे कोई टीचर है या कोई मतलब कोई से महकमे में है, जो वो उसमें नहीं जाती है बसों में। बस में तो वही आदमी सफर करता है जो डेली का कमाता है, डेली का खाता है। अरे अरे, क्यों 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 भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं, क्यों भगा रहे हैं, ये बताइए आप। ये सर राजनीति वाली बातें करते हैं। अच्छा, मतलब मोदी पक्ष करते हैं या आम आदमी? केजरीवाल कर रहा हूँ, केजरीवाल ने सर काम किया है, ये साफ नहीं बोल रहे हैं। और सर खासतौर से ऑटो वाले के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, ऑटो वाले बहुत कुछ किया। केजरीवाल के अंदर मेवला महाराजपुर का रहने वाला हूँ मैं, भोपाल सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ऑटो यूनियन का प्रधान हूँ। मंत्री जी के गांव से हैं? मंत्री जी गांव नहीं, मंत्री जी हमारे हैं। अच्छा, हाँ जी, मंत्री जी हमारे हैं। अच्छा, तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अपना मंत्री है, कभी भी हम आधी रात को जाएं या कभी भी चले जाएं, हमारे काम तो हो गए जी। तो परमिशन क्यों नहीं मिल रही है हरियाणा से यूपी में जाने के लिए? एक ऑटो चालक दिन के 100 रुपए बचाएगा। कितने मेंबर हैं आपकी यूनियन में? हमारे यूनियन में हजारों मेंबर हैं। तो हजारों मेंबर से सोचिए कितने हजारों रुपए बचेंगे। अब वो ये बताओ, मंत्री जो अपने आगे हरियाणा के हैं कि वो दिल्ली के, ये बताओ ना। वो सेंटर में मिनिस्टर है, सेंटर में सरकार में है, भारत सरकार में। जो हमारे अगर जो ये भारत सरकार जो इनके हाथ में थोड़ी है, ये तो हमारे जो और भी है हमारे भी। देखो कि आप लोगों ने चुनके मोदी के बगल में बिठाया। एक मिनट हमारी बात भी सुनोगे? बताइए, परिवहन मंत्री कौन है जी? शर्मा जी, वो हरियाणा के हैं। अब तो ये भी तो हरियाणा के ही हैं। ये मोदी के बगल में आपने बिठा दिया, ये मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं अपने। आज आपने बता दिया, हम अपने लगा देंगे उनके। अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो चुनाव के बाद ही जो कोई बात नहीं, चुनाव में फिर दोबारा आएंगे। अच्छा, हाँ जी, फिर हम इनसे बोलेंगे, भाई हमारे मंत्री और उनके लिए हमारे तो चाचा है। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल घर के हैं हमारे तो। अच्छा, हम तो बोलेंगे जी, मैंने कि हमारे ऑटो परिवार को ये दिक्कत है कि गैस महंगी है या कैसे भी है, अपने मैं नहीं जाऊंगा, अपने परिवार को लेके जाऊंगा। अच्छा, ऑटो परिवार को तो चाचा से काम करा के छोड़ेंगे? बिल्कुल छोड़ेंगे जी।